जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि अडोबे प्रीमियम प्रो जो कि एक वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, इसी के लिए बहुत ही कमाल का सॉफ्टवेयर है। वो आप किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हो, उसको यूज़ कर सकते हो, और उसमें जो एरर्स आते हैं इंस्टॉल करने में, वो भी मैं आपको क्लियर करके दिखाऊंगा इसी वीडियो के अंदर। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। वेलकम करता हूँ आपके अपने चैनल में सोशल मिंग, और मेरा नाम है मोहम्मद। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यार यहाँ पर जाओ इंस्टाग्राम पे और मुझे यहाँ पर फॉलो कर लो, दी सोशल मिंग, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को जरूर लाइक कर लेना, और कमेंट करके बताना अगर आपका वर्क कर लेता है। अगर ना भी करेगा, कोई एरर आएगा, तो मुझसे कमेंट करके बता दीजिएगा, लेकिन 101% गारंटीड है कि यह वर्क लाजमी करेगा। आपको क्या करना है कि वीडियो को लास्ट तक देखते रहना है, क्योंकि डाउनलोडिंग के अगर आपको डाउनलोड तो आपने कर लिया, लेकिन बाद में एरर जो आएगा उसको किस तरह क्लियर करना है वो आपको मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या कर लेना है जी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मैंने दे रखा है लिंक, आपको वहाँ पे क्लिक करने के बाद इस पेज पे आप लोग आ जाओगे। यहाँ पर नीचे आओगे तो थोड़ा लिखा होगा डाउनलोड 64 बिट, तो इस पर क्लिक करने के बाद इसको आगे डाउनलोड कर लेना। मैंने इसको ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, ये तकरीबन 1.8 GB की फाइल है, ठीक है जी। इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा, अपने 4G नेटवर्क से कर लें या फिर किससे भी कर लें, मोबाइल में डाउनलोड कर लीजिए या फिर PC में डायरेक्ट डाउनलोड करना चाहते हो कर लें। मोबाइल में डाउनलोड करने के बाद इधर कॉपी कर लीजिएगा, मैंने पहले ही डाउनलोड कर रखा है, काफ़ी टाइम पहले का मैंने डाउनलोड कर रखा है। अभी मैंने इसको क्या करना है, जहाँ पर भी आपने डाउनलोड करके रखा होगा उसको बस एक्सट्रैक्ट कीजिएगा, एक्सट्रैक्ट हेयर। तो मैंने ऑलरेडी एक्सट्रैक्ट भी कर रखा है, क्योंकि मैं चाहता था कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, एरर को भी क्लियर करना है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है जी, ओपन करने के बाद मैं आपको एक चीज दिखा देता हूँ जो एरर अभी आने वाला है। सेटअप पे क्लिक करेंगे, वेट करेंगे, यहाँ पर यस पे क्लिक कर दीजिए। आपको थोड़ी देर यहाँ पर रुकना है, इंस्टॉलेशन का ऑप्शन आएगा, तो ये जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि यार ये ऑप्शन आ चुका है। यहाँ पर मैं थोड़ा आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर साइड पे करके कंटिन्यू का ऑप्शन है, कंटिन्यू कीजिए, लेकिन आप देखिएगा ये डाउनलोड इंस्टॉल नहीं होगा, इसमें एरर आने वाला है, आप लोग देख सकोगे। अभी देखिए जी, ये एरर आ रहा है, एरर कोड 195, ठीक है जी। वो क्या कह रहे हैं कि आप अपग्रेड कीजिए, मतलब अपडेट कीजिए अपने सिस्टम की जो रैम, सॉरी अपने सिस्टम का जो वर्जन है, विंडो को अपडेट कीजिए। तो ये काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाता है, तो मैं इसको क्वाइट करने वाला हूँ। अब यहाँ पे क्या करना है आपको जी, इसी पेज पर आने के बाद आपको प्रोडक्ट्स पे क्लिक करना है, प्रो पे क्लिक करना है। दोबारा एक दफ़ा मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको जब आप इसको डाउनलोड एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, आपको ओपन करनी है फाइल, यहाँ पर प्रोडक्ट्स का दूसरे नंबर पे ऑप्शन होगा, आपको प्रोडक्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर पी प्रो लिखा होगा ड्राइवर के ऊपर, पी प्रो, तो आप इस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको ये ऑप्शन मिल रहा है, इसको आपको एक्सट्रैक्ट क्लियर कर लेना है जी, आपको एक्सट्रैक्ट करना है जी यहाँ पर। एकदम एक्सट्रैक्ट हेयर करना है यार, ये एक्सट्रैक्ट हेयर करने के बाद आपका ये फोल्डर देखें, अभी आपका एक्सट्रैक्शन जब तक हो जाती है, आपको बस इतना करना है कि यार यहाँ पर जाकर मुझे ज़रूर फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम पे, कोई भी मसला हो तो आप लोग बात कर सकते हो यहाँ पे, और भी डिस्क्रिप्शन में मैंने वीडियोज़ का लिंक दे रखा है, जिससे आप लोग कर सकते हो, फॉलोअर्स हासिल कर सकते हो, इंस्टाग्राम के प्राइवेट अकाउंट को कैसे देख सकते हो, सारा मैंने मेथड बता रखे हैं, तो आप लोग वहाँ उन वीडियोस को भी देखिए। तब तक के लिए मैं थोड़ा वीडियो को पॉज कर लेता हूँ, एक्सट्रैक्शन तब तक कंप्लीट हो जाए। ये प्रोसेसिंग थोड़ा टाइम ले लेती है, 5 से 7 मिनट, इसलिए कोई परेशानी वाली बात नहीं, आपको सिर्फ इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है जी, जिस तरह मैंने आपको बताया है। इसी मेथड को लास्ट तक आपको देखना है, फिर ही आपका जाके काम करेगी वीडियो। मैं आपको पूरा चला के भी दिखाऊंगा, जो Adobe प्रीमियम प्रो है, पूरा प्रूफ दूंगा कि आप इस मेथड को यूज़ करें और आपका ये 100% वर्क करेगा। थोड़ा सा रह गया, सिर्फ 94% हो चुका है जी, ये देख सकते हैं आप 95 हो चुका है जी। अब आपको क्या करना है, एक्सट्रैक्शन के बाद यहाँ पर 1 का फोल्डर आ जाएगा, 1 पे क्लिक करना है जी। उसके बाद यूनिवर्सल, ये चौथे नंबर पे ऑप्शन होगा, यूनिवर्सल पे क्लिक कीजिए, ऐप पे क्लिक कीजिए, और अब नीचे आइए, थोड़ा नीचे आएंगे, आपको यहाँ पर मिल जाएगा ऑप्शन, ये देखिए Adobe प्रीमियम प्रो का ऑप्शन मिल रहा है। भी आपको क्या करना है, इसको ओपन नहीं करना, इसको क्लिक करना है जी, प्रॉपर्टीज पे इसकी क्लिक करना है। प्रॉपर्टीज पे क्लिक करने के बाद ये देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ साथ साथ,
प्रॉपर्टीज पे क्लिक करने के बाद आपको कंपैटिबिलिटी पे क्लिक कीजिए, डिटेल्स कंपैटिबिलिटी, ये मोड आपका इनेबल नहीं होगा, इसको आपने इनेबल कर लेना। इसको इनेबल करने के बाद आपको अप्लाई कर देना और ओके कर देना। मैंने ऑलरेडी इसको कर रखा है तो इस वजह से इसको मैंने कर छह हानि कोई नहीं करने वाला। मैं एक दफा दोबारा चेक कर लेता हूँ कि जी हाँ ये हो रखा है। अब आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करने के बाद सेंड टू पे क्लिक करना है और डेस्कटॉप क्रिएट शॉर्टकट ये लिखें, ये इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। ये देखिए यहाँ पर आ चुका है ये। अब इसको आपने रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पर क्लिक करने के बाद ओपन करना है, यस पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ जाएगा, ज़्यादा टाइम लगता है लेकिन 1 मिनट तक लग जाता है स्टार्टिंग पे, फर्स्ट टाइम आपको थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो आप लोग देख सकते हो कि यार ये ऑप्शन आ चुका है, ये 1 या 2 मिनट के बाद ऑप्शन आ जाता है। आप देखें ये लोडिंग हो रहा है, आपको थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा फर्स्ट टाइम। देखिए कंप्लीट हो रहा है, तब तक ये होता है जी हम उसके वीडियो को पॉज कर लेते हैं, कोई मसला नहीं आने वाला आपको, सारा इसी तरह ही प्रोसेस है। आप लोग इसी तरह इसको डाउनलोड कीजिए, इसी तरह इसको इंस्टॉल कीजिए। इंस्टॉलिंग कंप्लीट भी हो चुकी है, मैंने पॉज भी नहीं किया। तो चलें कंप्लीट हो चुकी है, आपको 2 मिनट यहाँ पर वेट करना है, ये फर्स्ट टाइम इसी तरह ही आती है विंडोज, ये क्लियर हो जाएगा अभी। ठीक है अब आपको क्या करना है जी, यहाँ पर फाइल के ऑप्शन पे क्लिक कीजिए, न्यू प्रोजेक्ट के ऑप्शन पे, यहाँ पर प्रोजेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक कीजिए और अपना नाम रख लीजिए जो भी प्रोजेक्ट है। मैं कुछ भी नहीं करने वाला इसकी चेंजिंग, सिर्फ ओके पे क्लिक करूँगा और यस पे क्लिक करूँगा। और अब मैं आपको दिखाऊंगा कि यार ये किस तरह वर्क कर रहा है। ये देख लीजिए वर्क पूरा तकरीबन जिस तरह Adobe Premiere Pro होता है, सारा मैंने आपको दिखा दिया। आप इजीली ऑल एरर्स के फिक्स कर सकते हैं। ये Adobe Premiere Pro 2020 स्टार्ट हो चुका है जी, तो डिस्क्रिप्शन के लिंक से डाउनलोड कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यार इतनी मुश्किल से आप लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं, सब्सक्राइब करेंगे तो अच्छा लगेगा। ये देखिए सारे फंक्शन अवेलेबल हैं इधर, जो भी होता है इसका डाउनलोड करने के बाद, तो इसको यूज़ कीजिए आसानी से। बस इतना सा काम था यार, ना आपको कोई एरर आया है, कुछ भी नहीं हुआ, तो सारा मैंने आपको क्लियर करके दिखा दिया है इस वीडियो के अंदर। तो यार वीडियो को लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, और हो सके तो इंस्टाग्राम पे जाके ज़रूर फॉलो करो, इंस्टाग्राम पे लाजमी फॉलो किया करो। ये मैंने आपको दिखा रखा है अपना इंस्टाग्राम, मैं फिर एक दफ़ा दिखा देता हूँ। तो ये देख लीजिए दी सोशल मिंग, ये आपका मेरा यूज़र नेम है, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मौजूद है। आप लोग यहाँ पर जाओ और यहाँ पर जाकर मुझे फॉलो कर लो, फॉलोअर्स ज़रा इंक्रीज कर दो यार, ज़रूर फॉलो करो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो मैं आपके लिए और भी वीडियोज लेके आता रहूँगा इसी तरह की, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।